हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को टॉप 5 बेस्ट 5G फोन अंडर 15,000 रुपीस बताऊंगा। और जितने भी फोन बता रहा हूं दोस्तों, ये आपको एकदम लेटेस्ट देखने को मिल जाएंगे। इसमें कुछ फीचर देखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएगा। अगर इस प्राइस रेंज पे आप एक बेस्ट कैमरा फोन लेना चाहते हैं या बेस्ट गेमिंग फोन लेना चाहते हैं या बेस्ट ऑलराउंडर फोन लेना चाहते हैं, तब आप ले सकते हैं। सारे कैटेगरी के फोन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इन सारे फोन्स को अगर आप परचेस करना चाहते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी जाके परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, जान लेते हैं कौन से टॉप 5 बेस्ट फोन है जो आज की इस लिस्ट में आते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, आज की लिस्ट में जो पांचवें नंबर पे फोन आता है, आपको ओप्पो की तरफ से देखने को मिल जाता है। अगर इस प्राइस रेंज पर आप एक बेस्ट कैमरा फोन लेना चाहते हैं, जिसमें आपको EIS भी देखने को मिल जाए, उसके साथ में जो कैमरा क्वालिटी देखने को मिले वो भी आपको अच्छी देखने को मिल जाए, डिस्प्ले भी अच्छी देखने को मिल जाए, तब आप इस फोन को ले सकते हैं। और है ओप्पो A74 5G। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसमें आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस 90Hz रिफ्रेश रेट वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 485G प्रोसेसर, कलर OS 11.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, कोरियो 460 CPU, एड्रीनो 619 GPU, LPDDR4X7+2.1 का स्टोरेज, 5000mAh की 1 वीक बैटरी, 18W फास्ट चार्जिंग, 48MP क्वाड कैमरा सेटअप, 16MP सेल्फी। और इसके रियर कैमरे में आपको EIS देखने को मिलता है। और इसके रियर और फ्रंट कैमरे से आप 1080p पर 30fps की वीडियो शूट कर पाएंगे। इसमें आपको सिक्योरिटी के लिए आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम मिल जाते हैं। प्राइस की बात करें तो आपको 6GB 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है, आपको 14,990 रुपीज में देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों, इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की। इसमें आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है, आपको 90Hz रिफ्रेश रेट वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है। यहाँ पर डिस्प्ले आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो भी आपको यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। नॉर्मल गेमिंग वगैरह कर सकते हैं दोस्तों, और डे टू डे यूज में या नॉर्मल यूजर्स में आपको कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में दोस्तों, जो कैमरा देखने को मिलता है आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है इस प्राइस रेंज पे, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको EIS देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में दोस्तों, इसमें आपको 6GB का रैम और 128GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। तो रैम और स्टोरेज भी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। अगर आप एक ओप्पो का फोन लेना चाहते हैं बेस्ट कैमरा के साथ में, तब आप इसको ले सकते हैं। प्रोसेसर आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको कैमरा और डिस्प्ले वगैरह आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। तो बात करते हैं दोस्तों, आज के इसमें जो चौथे नंबर पर फोन आता है, आपको मोटोरोला की तरफ से देखने को मिल जाता है। अगर इस प्राइस रेंज पर आप एक स्टॉक एंड्रॉइड वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, जिसमें कुछ डिस्प्ले अच्छी देखने को मिल जाए, प्रोसेसर अच्छा देखने को मिल जाए, कैमरा भी ठीक ठाक देखने को मिल जाए, तब आप इस फोन को ले सकते हैं। और ये मोटोरोला G51 5G। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें आपको 6.8 इंच की फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 485G प्रोसेसर, स्टॉक एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, कोरियर 660 CPU, एडिनो 619 GPU, 5000mAh की 1 वीक बैटरी, 20W फास्ट चार्जिंग, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा और 13MP सेल्फी देखने को मिल जाता है। और इसके रियर कैमरे साथ 1080p पे 240fps तक की वीडियो शूट कर पाएंगे, और फ्रंट कैमरे साथ 1080p पे 30fps की वीडियो शूट कर पाएंगे। और इसमें भी आपको सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम मिल जाते हैं। इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट, वाटर रिपेलेंट डिजाइन देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो आपको 4GB 64GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है, आपको 14,190 रुपीज में देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों, इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की। इसमें आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है, उसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। हालांकि IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है दोस्तों, लेकिन हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो भी आपको यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है। लेकिन सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है। जो कैमरा देखने को मिलता है दोस्तों, वो भी आपको अच्छा देखने को मिलता है, जिसमें आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड भी देखने को मिलता है। यहाँ पर कैमरा सेटअप आपको अच्छा देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों, इसमें आपको 13MP का ही सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, 16MP का रहता और भी बेहतर रहता है। लेकिन दोस्तों, इसमें 5000mAh की बैटरी और 20W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। इस प्राइस रेंज पे दोस्तों, ये भी आपको बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है मोटोरोला की तरफ से। तो बात करते हैं दोस्तों, आज के लिस्ट में जो तीसरे नंबर पर फोन आता है, अगर इस प्राइस रेंज पे आप एक बेस्ट गेमिंग फोन लेना चाहते हैं, जिसमें आपको प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाए, तब आप इस फोन को ले सकते हैं दोस्तों। और ये फोन है रियलमी की तरफ से, Realme 9 5G। अब इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, 6.5 इंच की फुल HD प्लस 90Hz रिफ्रेश रेट वाली IPS डिस्प्ले, मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 5G प्रोसेसर, रियलमी UI 2.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉर्टेक्स A55 CPU, माली G57 MC2 GPU, LPDDR4X7+2.1 का स्टोरेज, 5000mAh की 1 वीक बैटरी, 18W फास्ट चार्जिंग, और 48MP ट्रिपल रियर कैमरा और 16MP सेल्फी देखने को मिल जाता है। और इसके रियर और फ्रंट कैमरे से आप 1080p पे 30fps की वीडियो शूट कर पाएंगे। और इसमें भी आपको सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम मिल जाते हैं। प्राइस की बात करें तो आपको 4GB 64GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है, आपको 13,999 रुपीज में देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की। इसमें आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है, IPS डिस्प्ले ही देखने को मिलती है दोस्तों, लेकिन 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। यहाँ पर डिस्प्ले आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों जो प्रोसेसर देखने को मिलता है आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 810 5G प्रोसेसर देखने को, जिसमें आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं दोस्तों। प्रोसेसर आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। उसी साथ में इसमें आपको जो बैटरी देखने को मिलती है, वो भी आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है।
लेकिन दोस्तों जो कैमरा देखने को मिलता है वो भी आपको यहाँ पे अच्छा देखने को मिल जाता है। रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी देखने को मिलता है, सेल्फी कैमरा भी आपको अच्छा देखने को मिलता है। और दोस्तों इस प्राइस रेंज पे बहुत ही बढ़िया फोन देखने को मिलता है जिसमें आपको प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों आज के इसमें जो दूसरे नंबर पे फोन आता है, अगर इस प्राइस रेंज पे आप एक बेस्ट ऑलराउंडर फोन लेना चाहते हैं जिसमें आपको डिस्प्ले अच्छी देखने को मिल जाए, कैमरा भी अच्छा देखने को मिल जाए, प्रोसेसर भी अच्छा देखने को मिल जाए, तब आप इस फोन को ले सकते हैं दोस्तों। और ये फोन है IQ की तरफ से IQ Z6। या दोस्तों आप IQ Z6 और Vivo T1 5G दोनों सेम फोन है तो आप कौन सा भी ले सकते हैं, सेम स्पेसिफिकेशन और सेम डिजाइन के साथ में दोनों देखने को मिल जाते हैं। बस फर्क इतना है दोस्तों कि आपको IQ की तरफ से देखने को मिल जाता है, अब आपको Vivo की तरफ से देखने को मिल जाता है, बस इतना ही फर्क है। तो आप बात करते हैं दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशन की, इसमें आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है आपको 6.58 इंच की फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जिसमें आपको Qualcomm Snapdragon का 695G प्रोसेसर, Huntress 12 बेस्ड ऑन Android 12 ऑपरेटिंग सिस्टम, Core i7 660 CPU, Adreno 619 GPU, 5000mAh की 1 GB बैटरी, 18W फास्ट चार्जिंग, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल सेल्फी। और इसके रियर और फ्रंट कैमरे सब 1080p 30fps की वीडियो शूट कर पाएंगे। इसमें भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम मिल जाते हैं। इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है जिसमें आप दो सिम या एक मेमोरी कार्ड दो चीज एक साथ में यूज कर पाएंगे। प्राइस की बात करते हैं दोस्तों इसमें आपको 4GB 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है आपको 14,999 रुपीज में देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की, इसमें आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है आपको अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलती है, हालांकि आपको IPS डिस्प्ले ही देखने को मिलती है लेकिन आपको 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और उसी साथ में जो प्रोसेसर देखने को मिलता है आपको Qualcomm Snapdragon का 695 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है। इस प्राइस रेंज पे दोस्तों एक प्रोसेसर आपको बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। इस प्रोसेसर में दोस्तों आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। और जो कैमरा देखने को मिलता है दोस्तों वो भी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, चाहे इसके रियर कैमरे की बात करें चाहे फ्रंट कैमरे की। इस प्राइस रेंज पे दोस्तों ये भी आपको बहुत ही बढ़िया फोन देखने को मिल जाता है IQOO की तरफ से। तो फाइनली दोस्तों आज की लिस्ट में जो नंबर एक पे फोन आता है आपको पोको की तरफ से देखने को मिल जाता है। अरे फोन अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है दोस्तों और इसमें आपको जो स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं बहुत ही बढ़िया देखने को मिलते हैं। इस प्राइस रेंज पे दोस्तों बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन अगर आप लेना चाहते हैं तब आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कैमरा देखने को मिलेगा, जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा, सब कुछ एकदम टॉप नॉच देखने को मिलेगा। और यह पोको M4 Pro 5G। अब दोस्तों जो Redmi का Note 10T 5G है और पोको M4 Pro 5G है दोनों सेम ही फोन है दोस्तों, सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने पोको M4 Pro 5G को क्यों सिलेक्ट किया है इसको मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलिए अब इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। इसमें आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस 90Hz रिफ्रेश रेट वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है जिसमें आपको Corning Gorilla 3 का प्रोटेक्शन, MediaTek Dimensity 810 5G प्रोसेसर, MIUI 12 बेस्ड ऑन Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, Cortex A55 CPU, Mali G50 7MC2 GPU, LPDDR4XM plus 2.2 का स्टोरेज, 5000mAh की 1 GB बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग, 50 मेगापिक्सल डुअल रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल सेल्फी। और इसके रियर कैमरे सब 1080p 60fps की और फ्रंट कैमरे सब 1080p 30fps की वीडियो शूट कर पाएंगे। इसमें भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम मिल जाते हैं। इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर, IP53 की डस्ट एंड स्लैश प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो आपको 4GB 64GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है आपको 12,999 रुपीज में देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की, इसमें भी आपको जो डिस्प्ले देखने मिलती है आपको IPS डिस्प्ले देखने मिलती है जिसमें आपको 90Hz का हाई रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है, लेकिन दोस्तों इसके डिस्प्ले में आपको Corning Gorilla 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है जो कि अभी तक जितने भी फोन बताया था उसमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ में दोस्तों इसमें आपको MediaTek का Dimensity 810 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, यहाँ पर प्रोसेसर भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है जिसमें आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं। और जो कैमरा देखने को मिलता है दोस्तों वो भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है, 5000mAh की 1 GB बैटरी देखने को मिल जाती है, 33W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। उसी के साथ में दोस्तों इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है और IP53 का आपको स्लैश एंड डस्ट प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। इसका मतलब दोस्तों अगर आपके मोबाइल पे थोड़े बहुत पानी के छींटे वगैरह पड़ भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आसानी से सर्वाइव कर लेगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने बोला था कि Redmi Note 10T 5G और Poco M4 Pro 5G जो है दोनों सेम है, लेकिन मैंने Poco को ही क्यों सिलेक्ट किया है क्योंकि दोस्तों जो Redmi का फोन है दोस्तों उसमें आपको 6GB 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है आपको 16,000 रुपीज में देखने को मिलता है, लेकिन सेम यही वेरिएंट दोस्तों आपको 6GB 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है Poco का आपको 15,000 रुपीज में देखने को मिलता है। 1,000 प्राइस आपको यहाँ पे कम देखने को मिल जाती है जो कि एक्चुअल प्राइस में सभी का बता रहा हूँ। और अगर आप इन सारे फोन्स पे ऑफर को अप्लाई करेंगे तो प्राइस और भी कम हो जाएगी दोस्तों, तो और भी अच्छे प्राइस पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैंने पोको को फोन यहाँ पे सिलेक्ट किया है। और सबसे अच्छी बात इसमें भी है दोस्तों कि इसमें आपको 4GB और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है जो कि आपको 13,000 में देखने को मिल जा रहा है, इसीलिए दोस्तों मैंने इसको यहाँ पे पिक किया है। इस प्राइस रेंज पे दोस्तों अगर आप बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑलराउंडर फोन लेना चाहते हैं तब आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फोन आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 5 बेस्ट 5G फोन अंडर 50,000 रुपीज। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।
थैंक यू दोस्तों वीडियो क्लास तक देखने के लिए।